अगर रामबाण अगर हाइड्रोपोनिक में कोई दो चीज है तो वो मैं आपको बताता हूँ, एक है टीडीएस मीटर एंड दूसरा है पीएच मीटर। इसके बिना आप हाइड्रोपोनिक पे आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं एस एस राजपुरोहित, स्वागत है आप सभी का राजपुरोहित हाइड्रोपोनिक में। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी अपडेट है वो है हाइड्रोपोनिक में किन किन चीजों का यूज होता है, हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप लगाने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है उसी पे हम आज बात करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अब तक जिन्होंने चैनल को ना किया सब्सक्राइब, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब है, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा हमारा ये अपडेट। और चीज, जितने भी मैं आज प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एक और चीज, फेसबुक का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहां पे फॉलो कीजिए, और किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज की इंक्वायरी करनी है तो आप नीचे मुझे फेसबुक पेज को फॉलो करके आप डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं आपका हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ। चलिए फिर वीडियो करते हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं हाइड्रोपोनिक में किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम सीड लेंगे, सीड को हम उगाएंगे किसमें, तो उसके लिए मैं इस तरह की सीडलिंग ट्रे की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप चाहे तो ये 12 खाना भी आते हैं, जिस तरह से आपको चाहिए वैसे चाहिए आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह की आपको सीडलिंग ट्रे की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप देख रहे हैं ये कम से कम 50 सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सीडलिंग ट्रे है, तो आप इस तरह की आप सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं। एंड सेकेंड जो हमारी चीज आएगी वो आएगी इस तरह के नेट पोर्ट। जी हाँ, आप जब सीडलिंग कर लेंगे, जब पौधे जर्मिनेट होंगे, जब आप NFT में सिस्टम करोगे तो आपको इस तरह के नेट पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, 3 इंच के नेट पोर्ट है जो कि आप PVC पाइप में यूज कर सकते हैं। तो सेकंड जो हमारी आइटम है वो हमारे उस तरह की नेट पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, नेक्स्ट जो हमारी चीज जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बोला आपने सीडलिंग कर ली, नेट पोर्ट आपने ले लिया, और उससे पहले अगर आप सीडलिंग करोगे तो करोगे किसमें, तो इस तरह के आपको कोकोपीट आते हैं, कोकोपीट ब्रिक आते हैं, ये देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नारियल का बुरादा है जिसको कोकोपीट बोलते हैं, ये यूज होता है हाइड्रोपोनिक में, जिसको हम सॉइललेस खेती बोलते हैं, जहाँ पे मिट्टी की जगह इसको यूज किया जाता है हाइड्रोपोनिक में, जो ये है कोकोपीट। कोकोपीट को यूज करने की वजह ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनको जड़ों को स्टेबल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए हमें कोकोपीट यूज करते हैं। तो आपको ये जो तीसरी आइटम की जरूरत पड़ेगी वो होगी कोकोपीट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमें, चौथी हमारी आइटम क्या होगी, उसके बाद में अगर फोर्थ जो आइटम की जरूरत पड़ेगी वो चीज होगी हमारी वाटर पंप। जी हाँ, जब आप न्यूट्रिशन ऐड करोगे तो उसके बाद में आपको वाटर पंप की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस तरह का आपका वाटर पंप है जो मार्केट में 300-350 में आराम से मिल जाएंगे। तो चौथी हमारी चीज है जो ये वाटर पंप है, इसकी जरूरत पड़ेगी। पांचवी चीज हमारी क्या, उस पर हम बात करते हैं। पांचवी जो चीज हमारी एयर पंप है, इसका यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एयर पंप जरूरी है ऑक्सीजन के लिए, तो ये ऑक्सीजन के लिए यूज होगा हमारा जो वाटर टैंक है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, एक आपका है ये TDS मीटर जो आपको सबसे पहले लगेगा। ये चीजें मंगवाने के बाद में जब आप शुरुआत करोगे, आपने सीडलिंग कर ली, जर्मिनेशन हो गया, नेट पोर्ट में डाल दिया आपने, उसके बाद में क्या होगा, आप पॉटर में सॉल्यूशन ऐड करोगे, न्यूट्रिशन ऐड करोगे, तो आपको चेक करने के लिए अगर रामबाण अगर हाइड्रोपोनिक में कोई दो चीज है तो वो मैं आपको बताता हूँ, एक है TDS मीटर एंड दूसरा है PH मीटर। इसके बिना आप हाइड्रोपोनिक पे आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। क्यों, इस पे मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा मैं अलग, और आज मैं जो छोटी छोटी चीजें थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा एक जो TDS मीटर है उसकी जरूरत पड़ेगी, एक PH मीटर है उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा न्यूट्रिशन पे तो हमारी जरूरत पड़ेगी, बट फिलहाल में आपको क्या चीजें इकट्ठा करनी है वो चीजों के बारे में मैंने आज अपडेट दी। बाकी न्यूट्रिशन के बाद आगे हमारे जो भी है एड, बाकी न्यूट्रिशन के वीडियो जो है मैं नेक्स्ट हमारे आते रहेंगे। एंड एक और चीज है जो कोकोपीट है, इस तरह का कोकोपीट आएगा, ये आप देख सकते हैं, इसको आप आराम से इसको भिगो के यूज कर सकते हैं, ये कोकोपीट है। और इन चीजों की आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, आप एक बार हाइड्रोपोनिक सेटअप शुरू कर रहे हैं ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा PH और TDS मीटर के बारे में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये टोटली जितने भी चीजें हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और हमारे साथ में बने रहिए,
ताकि आपको ए टू जेड हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड इंक्वायरी आपको टोटल मिलती रहेगी। अभी स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो आते रहेंगे, हमने शुरुआत की है ए से जेड तक हम पहुंचे और हम सफल बनाने की कोशिश करेंगे आपके हाइड्रोपोनिक सेटअप को। तो कैसा चैनल को ना किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और किसी भी चीज की इंक्वायरी आप हमें वहां पे डीएम कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, नए वीडियो के साथ में, तब तक लीजिए जय भारत।